गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को ढंग से देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छा आइडिया दिया था ट्रैवर्सल्स का, कि यार ये ट्री ट्रैवर्सल होते हैं वो क्यों किए जाते हैं, और आज हम लोग प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को थोड़ा नज़दीक से देखेंगे। और ये जो मैंने ट्री भी आप लोगों के लिए बनाया हुआ है ना, उसमें मैं आप लोगों को एज एन एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे किया जाता है। तो ये जो ट्री दिख रहा है ना आपको, इसमें हम लोग प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करने वाले हैं। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल किसे कहते हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था, कभी भी आप लोग भूल जाते हैं कि प्री कौन सा है, पोस्ट कौन सा है और आपका इन ऑर्डर कौन सा है। तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले लिख लें, आप लिखें लेफ्ट में लेफ्ट, लेफ्ट में लेफ्ट लिख लें, राइट में आप लोग राइट लिख लें, ठीक है, राइट साइड में राइट लिख लिया, लेफ्ट साइड में लेफ्ट लिख लिया। अगर प्री है तो रूट को यहाँ लिख लें, ठीक है, अगर पोस्ट होता तो मैं रूट को यहाँ लिखता, और इन होता तो रूट को इन दोनों के अंदर यानी कि इन यहाँ लिखता, ठीक है, ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। रूट लेफ्ट राइट, ये है हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, कि पहले आप रूट नोट को विजिट कर लें, उसके बाद आप लोग लेफ्ट नोट को विजिट करें, सॉरी लेफ्ट सबट्री को विजिट करें, फिर राइट सबट्री को विजिट करें, ठीक है। तो यहाँ पर रूट, उसके बाद लेफ्ट और उसके बाद राइट, ये है हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया। इसमें अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रूट को, इस ट्री के रूट नोट को विजिट करूँगा, तो फोर को मैं विजिट करूँगा, ठीक है, तो मैं कहूँगा फोर। उसके बाद किसको विजिट करूंगा, मैं लेफ्ट सबट्री को विजिट करूंगा, ये पूरा मैं ख़त्म करूंगा, और उसके बाद मैं राइट सबट्री ख़त्म करूंगा। अब जब मैं ये पूरा ख़त्म करूंगा, यानी कि ये जो मैं डॉटेड सबट्री आप लोगों के लिए बना रहा हूं, वो मैं पूरा ख़त्म करके इसके बाद लिखूंगा, फोर के बाद, रूट के बाद, ठीक है। और उसको जब मैं विजिट करूंगा तो उसके कुछ नोट्स आएंगे, मुझे नहीं पता वो क्या होंगे, ठीक है, मैं अभी के लिए इतना हेडेक नहीं लेना चाहता। मैं कह दूंगा कि यार ये मेरा सबट्री वन है, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, सबट्री वन है मेरा ये, और इस सबट्री को मुझे करके लिखना है यहाँ पर अभी, ठीक है, मैंने अभी इसको रहने दिया। इसके बाद सबट्री टू मैं ये बना लेता हूँ, सबट्री टू हमारा लकीली बहुत छोटा सा सबट्री है, उसमें सिर्फ एक रूट नोड है, तो उसका तो सिर्फ सिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही तो नोड है, रूट लेफ्ट राइट होता है ना, लेफ्ट राइट तो है ही नहीं सिक्स का, तो ये यहाँ पर सिक्स आ गया। अगर ये भी बड़ा सबट्री होता तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट बना के लिख देता, मैं कहता है इसको भी देखेंगे बाद में, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सबट्री वन, मुझे यहाँ पे भी वन लिखना चाहिए था ताकि मुझे पता चले कि यार ये ब्रैकेट मैंने किसके लिए बनाए थे, मैंने सबट्री वन के लिए बनाए थे ये ब्रैकेट, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबट्री को सॉल्व करूँगा, ये जो मैंने सबट्री वन बनाया है इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, रूट नोड आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर वन लिख देता हूँ। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट में सिर्फ एक नोड है, तो मैं डायरेक्टली इसको जल्दी से फाइव और टू ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। और ये आ गया हमारा इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, फोर वन फाइव टू सिक्स, तो ये है हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल फॉर दिस पर्टिकुलर ट्री, ठीक है, फोर वन फाइव टू सिक्स, ठीक है, फोर वन फाइव टू सिक्स इस ट्री का फ़ोन नंबर है। कौन सा फ़ोन नंबर है, प्री ऑर्डर फ़ोन नंबर, मतलब ट्रैवर्सल है, ठीक है, कुछ ऐसा समझ लो। तो ये फोर वन फाइव टू सिक्स, ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आ चुका है इस ट्री का, आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको कोड कैसे करें, यार अगर मुझे एक ट्री दिया हुआ है, मान लो एक ट्री मैंने बना लिया, जैसे कि हमने देखा था अपने पिछले वीडियोस में कि यार हमने ट्री बनाया था, ये सारे के सारे पॉइंटर्स हमने बनाए हुए थे, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर ये पॉइंटर्स जो है इसको ऐसे बनाया था, मैं यार ज़रा यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा खूबसूरती को भी मेंटेन करते चलते हैं, ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे ले लेता हूँ ये पॉइंटर्स, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये नोड क्या है, ये एक स्ट्रक्ट नोड है, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड, तो ये जो हमारा स्ट्रक्ट नोड है, डी मैंने बड़ा अजीब सा बना दिया, बट ठीक है यार, ठीक है, ये स्ट्रक्ट नोड है हमारा। स्ट्रक्ट नोड हमारा कैसा दिखता था, स्ट्रक्ट नोड हमने देखा था, इसके अंदर एक लेफ्ट था, एक राइट था, और लेफ्ट राइट पॉइंटर्स थे, और एक हमारा डेटा था, डेटा मतलब जो हमारे रूट नोड के अंदर, जो भी हमारे नोड के अंदर वैल्यू है वो, ठीक है। तो अगर मैं फंक्शन लिखूँ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का, तो वो कैसा दिखाई देगा, ये इस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा void, और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्री ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो प्री ऑर्डर है हमारा, ये हमारा एक फंक्शन होगा, और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट, यानी कि उस ट्री की रूट जिसका हमें प्री ऑर्डर निकालना है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार अगर रूट नल हो जाती है, यानी कि या तो आप अगर लीफ नोड पे आ जाते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा ट्री पकड़ा दिया जाता है जिसकी जो रूट है वो ही नल हो, ऐसा भी ट्री बना सकते हैं हम लोग, जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, पूरा रूट ही नल है उसकी, ठीक है। तब आप लोग क्या करेंगे,
तब आप लोग कुछ नहीं करेंगे। तो अगर रूट नल नहीं है तब आप कुछ करेंगे। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप लिखेंगे इफ रूट इज नॉट इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू नल। अगर आपकी रूट नल नहीं है तब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सबसे पहले तो मैं रूट यानी कि जो मेरा डेटा है उसको प्रिंट करना चाहूँगा, तो मैं सबसे पहले तो इसको प्रिंट करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट एफ, और मैं यहाँ पर स्यूडो कोड लिख रहा हूँ। मुझे मालूम है कि जो मैं यहाँ पर स्यूडो कोड लिखता हूँ उसमें मैं कभी कभी सेमी कोलन नहीं लगाता हूँ, डबल कोड बंद करना भूल जाता हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए करता हूँ। जब मैं वीएस कोड में आकर इस चीज़ को लिखूंगा तब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कुछ लोग पॉइंट आउट भी करते थे नीचे कमेंट्स में कि यार आपने सेमी कोलन बंद नहीं करा, एरर आएगा। बट एक्चुअल में जब मैं आता हूँ वीएस कोड में तो मैं सारी मिस्टेक्स का ध्यान रखता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूंगा रूट का डेटा जो है उसको प्रिंट कर दो। एंड ऑब्वियसली यार इसको मैं प्रॉपरली लिखूंगा, परसेंटेज डी करके बहुत ढंग से लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगली लाइन में लिखूंगा प्री ऑर्डर, यानी कि सेम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करूंगा मैं किसके लिए, मैं रूट के लेफ्ट के लिए कॉल करूंगा, ठीक है। और प्री ऑर्डर को मैं कॉल करूंगा रूट के राइट के लिए, रूट का राइट, आर आई जी एस टी। अच्छा, जब मैंने आप लोगों को रिकर्शंस बताया था, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यार रिकर्शंस कुछ प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। मैं यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। जो रिकर्शंस होते हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, ये उन प्रॉब्लम्स में से एक है जिनको रिकर्शन बहुत ढंग से सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि यार प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की डेफिनेशन ही है कि यार आप पहले क्या करो, आप पहले रूट नोड को प्रिंट कर दो, यानी कि जो आपका यहाँ पर रूट है उसको आप प्रिंट करो पहले, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसका लेफ्ट सब ट्री और इसका राइट सब ट्री उसको प्रिंट करना है, ठीक है। रूट लेफ्ट राइट, इसे कहते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे कैसे ही चिपका दूंगा तो मुझे 41526 मिल जाएगा, ठीक है, और यह प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। अच्छा, अगर जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारा होता था, जैसे कि एरे होता था, हमारा लिंक लिस्ट होती थी, उसमें हम लोगों ने यह देखा था कि जब भी हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको या तो शुरू से लेकर अंत तक या अंत से लेकर शुरू तक हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। ट्रैवर्स हम क्यों करना चाहेंगे, हम सारे के सारे नोड्स को विजिट करना चाहेंगे, लेट अस से फॉर एडिंग ऑल द नोड्स, या फिर लेट अस से फॉर सर्चिंग ऑल द नोड्स। यानी कि मान लो मैं इस ट्री में 7 ढूंढ रहा हूँ, नंबर 7, तो मुझे वो नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है। 4 में गया मैं, 1 में गया, 6 में, 5 में, 2 में नहीं मिला, तो मैं इसको किसी तरीके से ट्रैवर्स करना चाहूँगा। 4, 1, 5, 2, 6, अगर मैं ऐसे ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो मुझे इसका जो नोड है अगर होगा उसमें मौजूद जो मैं ढूंढ रहा हूँ तो वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को जो है ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको कोड करेंगे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को। सो गाइस, यहाँ पर मैंने एक फाइल ऑलरेडी पहले से बना ली थी, और मैंने उसके अंदर करा क्या कि मैंने उस फाइल के अंदर 41652 यानी कि जो ट्री मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वो मैंने बना लिया है। ये ट्री कुछ इस तरह से दिखता है, अगर मैं इस ट्री को बनाऊँ आप लोगों के सामने तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, 4, और उसके बाद मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा और 4 को एक कदम आगे बढ़ा लूँगा। सो गाइस, फाइनली ट्री यार कुछ ऐसा दिखता है, मैंने इसको जल्दी से बना लिया 41652 आप लोगों के देखने के लिए कि यार आप लोगों को कम से कम पता तो चल जाए यार कि ट्री कैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर P1, P2, P3, P4 मैंने नोड्स बनाए, और नोड्स बनाने के बाद मैंने फाइनली ट्री को बना दिया आप लोगों की सुविधा के लिए। अब हम लोग फंक्शन लिखेंगे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का, ठीक है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का फंक्शन जो है वो बहुत आसान है, और इतना आसान है कि यार मैं उसको कितनी तेज़ टाइप करूँगा मुझे भी नहीं पता कितनी तेज़ टाइप करूँगा, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दे देंगे स्ट्रक्ट स्टार, और इसके बाद लिखेंगे रूट, ठीक है, इसकी रूट। हमने देखा था प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले आप लोगों को चेक करना होता है इफ़ जो रूट है इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। अगर रूट नल के बराबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर, मुझे यार void प्री ऑर्डर लिखना था, void प्री ऑर्डर, क्योंकि यार प्री ऑर्डर कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। प्री ऑर्डर एक फंक्शन है जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसके ओ को भी कैपिटल कर देता हूँ, स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट, यानी कि जो नोड मैंने बनाया है वो स्टार रूट, ठीक है। बहुत आसान है ये, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्यों बोले जा रहा हूँ बार बार यार मैं इतना कि आसान है, क्योंकि एक्चुअली में आसान है। मैं यहाँ पर परसेंटेज डी करके लिखूंगा कि यार रूट का डेटा प्रिंट कर दो, और उसी के साथ साथ सेम फंक्शन को लगा दो, यानी कि प्री ऑर्डर को लगा दो, किस में, रूट के लेफ्ट चाइल्ड में और रूट के राइट चाइल्ड में, ठीक है।
यहाँ पर राइट में, एंड आई थिंक दिस शुड डू यार, दैट्स अबाउट इट। आपको के बस इतना आसान? हाँ यार इतने आसान है, मैं क्या करूँ इसको मुश्किल करके बताऊँ क्या? तो बहुत आसान है, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं, और इसको रन किया और गेम ओवर, नहीं गेम ओवर नहीं यार, हमने इसको कॉल नहीं किया, ठीक है। सो कॉल करना पड़ेगा हमको, हम यहाँ पर इसको कॉल भी तो करेंगे तब ना कुछ होगा। हम लोग यहाँ पर इसको पी के लिए कॉल करेंगे, हम प्री ऑर्डर को पी के लिए कॉल करेंगे, तब ये कॉल जाएगी। अब गेम ओवर नहीं होना चाहिए। 41526, ठीक है, 41526 ही आया था हमारा प्री ऑर्डर, 41526, ठीक है। तो प्री ऑर्डर तो बहुत सही से हो गया। अच्छा अगर एक स्पेस दे दूँ थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा, 41526, ठीक है। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है। हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में काफ़ी आगे तक कर लिया है अभी। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर एक्सेस करना, क्योंकि बहुत सारे लोग यार बीच बीच में से वीडियोस देखते हैं, मुझसे पूछते हैं ये कहाँ है वो कहाँ है। उन लोगों के लिए प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।